हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसका पार्ट फर्स्ट यहाँ रहने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं कि याद रखना कि जो भी सीरीज चलाई गई है, प्रति पार्ट में आपको 10 क्वेश्चंस को सोल्व किया जाएगा और 10 क्वेश्चन वहीं इंक्लूड किए जाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स की दृष्टि से, चाहे आप जेट ICER या BHU किसी की भी तैयारी क्यों ना कर रहे हो। तो इस सीरीज़ की जो भी पार्ट आए उसको देखना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। याद रखना, इस सीरीज़ में आपको रेगुलर रहना है और कोई भी वीडियो आए तो उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरित बाली रोग मुख्यतः किस फसल में होता है। तो याद रखना, हरित बाली रोग जो कि किस में मुख्यतः देखा जाता है, बाजरा में, ठीक है। अब इसे क्यों बोला जाता है हरित बाली रोग, याद रखना, ग्रीन ईयर डिजीज इसे क्यों बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो बाजरा की जो बालियाँ होती है वह क्या होती है, ग्रीन लीव्स में कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात पत्ती की रूप संरचना में चेंज हो जाती है। इसलिए इसे क्या, किसकी संज्ञा दी गई है, हरित बाली रोग की संज्ञा दी गई है, ठीक है। और इसको सबसे पहले जो रिपोर्ट किया गया था इंडिया में, किसने किया था, बटलर के द्वारा किया गया था। इसको भी आप याद रखना कि जो बटलर ने ग्रीन ईयर डिजीज़ को सबसे पहले इंडिया में रिपोर्ट किया था, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना की बढ़वार के लिए उपयुक्त तापक्रम होना चाहिए। तो याद रखना, जब भी अगर गन्ने की बढ़वार की बात की जाए तो उसके टेम्परेचर आवश्यक होता है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। अब याद रखना, इससे संबंधित बढ़वार से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गन्ने की सिंचाई यानी प्रमुख क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है सिंचाई की, तो कौन सी होती है, बढ़वार अवस्था, ठीक है, फॉर्मेटिव स्टेज जिसे बोला जाता है। इसका भी आप विशेष ध्यान रखें कि गन्ने की जो सिंचाई क्रांतिक अवस्था है कौन सी होती है, फॉर्मेटिव स्टेज अर्थात बढ़वार अवस्था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की छंटाई का उपयुक्त समय होता है। तो याद रखना, जब भी अगर बात की जाए अंगूर की, तो अंगूर की जो छंटाई की जाती है वह की जाती है जनवरी में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बेर की जो छंटाई की जाती है वह कौन से मंथ में की जाती है, तो याद रखना, बेर की जब भी बात आए तो अप्रैल, और अगर बात की जाए अंगूर की तो अंगूर में होती है जनवरी के समय में, ठीक है। दोनों को आप विशेष ध्यान रखें, दोनों कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीटनाशी अधिनियम पारित हुआ था, अर्थात जो इंसेक्टिसाइड जो एक्ट था 1968 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के बीजों को उपचार के लिए किस घोल में डुबोते हैं। तो याद रखना, जो आलू के कंद होते हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए याद रखना एगलाल का प्रयोग करते हैं। तो किस में डुबोते हैं, एगलाल के घोल में, ठीक है। याद रखना कि आलू के अलावा जो एगलाल का प्रयोग किया जाता है, आलू के कंद के अलावा गन्ने के सेट्स को ट्रीटमेंट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। याद रखना, गन्ने की जो सेट्स होते हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, एगलाल का ही प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों को आप विशेष याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्का में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो याद रखना, मक्का में जो गुणसूत्र होते हैं वह होते हैं 2n = 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाने योग्य जो केला होता है वह कौन सा होता है। तो याद रखना, जो त्रिगुणित होते हैं, याद रखना, जो जिस केले को हम खाते हैं वह कौन सा होता है, ट्राइप्लॉइड अर्थात त्रिगुणित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी संकेतक पौधा है। तो याद रखना, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है, संकेतक पौधा। तो सबसे पहले याद रखना कि संकेतक पौधा होता क्या है, अर्थात वह प्लांट जिसमें किसी भी न्यूट्रेंट की थोड़ी भी कमी होने पर वह अपने लक्षण दिखाने लग जाते हैं उसके, ठीक है। तो याद रखना, उसे क्या बोला जाता है, इंडिकेटर प्लांट या फिर संकेतक पौधा बोला जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सूरजमुखी संकेतक पौधा है। तो याद रखना, सूरजमुखी किसका होता है, बोरोन का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के बीजों का वितंतुतिकरण किससे करते हैं। तो जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है वह है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कि पौधे के लिए अनावश्यक किंतु लाभकारी तत्व कौन से आते हैं। याद रखना, इससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले आपको पता होना चाहिए कि बेनिफिशियल जो न्यूट्रिएंट है वह कौन कौन से है। तो उन्हें याद रख सकते हैं एक शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो याद रखना, कौन सी ट्रिक है हमारी, कोउसिना, याद रखना, कोउसिना। तो जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट होते हैं वह चार होते हैं, जिसमें इसमें इस ट्रिक में चारों कंबाइंड हो रहे हैं। तो याद रखना, कोउसिना अर्थात कोबाल्ट, वेनेडियम, सिलिकॉन और सोडियम। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन देख सकते हो कि इनमें से दो होने चाहिए। तो याद रखना, वेनेडियम और सोडियम, जो लास्ट ऑप्शन हमारे वेनेडियम और सोडियम, तो ये राइट आंसर। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। और आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक शेयर करें, जिससे कि अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो कोई मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जब तक लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।